फिर से बात भोपाल की, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक होने जा रही है और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल लेंगे बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है। तो लगातार लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो उसी के राह पर चलते हुए अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल इस बैठक को लेने वाले हैं। आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज ये बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुट चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर से रुक करते भोपाल का विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, तो अब बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। क्या आज बैठक होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सुनील बंसल जो हैं वो इस बैठक को लेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर जब सुनील बंसल आते हैं तो निश्चित रूप से माना जाता है कि बैठक प्रबंधन को लेकर है, चुनावी प्रबंधन को लेकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो तारीखें घोषित होने में काफी लंबा समय है, अभी अभी विधानसभा चुनाव निपटे हैं, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखेंगे तो कार्यकर्ता कितने एक्टिव मोड में है ये आपको नजर आ जाएगा। लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और हर बैठक में कितनी गंभीरता होती है ये इस बात से समझा जा सकता है कि तमाम बड़े पदाधिकारी, मंत्री सब इस बैठक में शामिल होते हैं। आज की बैठक भी जो है इसी तरह की रखी गई है और इस बैठक के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनील बंसल के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये तमाम चेहरे इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। और एक बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कह सकते हैं कि अभी जहां कांग्रेस में संगठन को रचने की कवायद चल रही है मध्य प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में नजर आने लगी है और इलेक्शन को लेकर ही ये पूरी बैठक आज होने वाली है। जी अनुराग, ये भी समझ लेंगे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, एक तरफा जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी होता है, उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू करना कितना जरूरी है? देखिए बिल्कुल, अब जब आप इतना बड़ा आंकड़ा पा लेते हैं विधानसभा चुनाव में, तो आपका अगला टास्क ये होता है कि आपको लोकसभा में भी वैसे ही परफॉर्म करना होता है। और खासतौर पे पीएम मोदी और अमित शाह का ज्यादा फोकस लोकसभा पे होता है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में ही ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिली थी, तो ऐसे में अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो स्थितियां बन रही है, वो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट अगर हम बात करें तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो थी। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं बैठक को लेकर, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी विशेषता है। सर, इलेक्शन मोड में पार्टी एक बार फिर है और जिस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस संगठन में भी रचना नहीं कर पा रही है, आप लोगों ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है? लोकसभा की तैयारी तो चली रही है ना, लोकसभा की तैयारी में तो हमेशा से लगे, हम लोग तो पहले दिन से लगे, विधानसभा की तैयारी भी लोकसभा की तैयारी थी। तो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे, हालांकि चूंकि बैठक जिन संदर्भों में वो कम चर्चा करते हैं जो संगठन के कुछ नियम है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारियां जरूर चल रही है। पर ये हम बहुत अलग तरीके से समझ सकते हैं, हम देखेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके थोड़ी ही देर बाद में अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पदाधिकारी भी पहुंचेंगे। तो साफ तौर पे एक बड़ा टास्क है जिस तरह से विधानसभा में जीत मिली है उसके बाद लोकसभा का, और यही कारण है कि इतने जल्दी बीजेपी एक बार फिर इलेक्शन मोड में नजर आने लगी है। जिस तरीके से विजय शर्मा कह रहे थे कि विधानसभा ही हमारी लोकसभा तैयारी, काफी कॉन्फिडेंट भी अनुराग वो नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज बड़ी बैठक होने जा रही है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मिशन 2024 की तैयारियां, लोकसभा चुनाव की जीत की तैयारियों के लिए अब भाजपा पूरी तरीके से तैयार है।